फलक बोस पहाड़ों और बर्फ पोश कोहसारों की सरजमीन पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और इन्हीं में से एक नेमत पानी भी है, जो मौसम सरमा में ग्लेशियर की चोटियों पर बर्फ के ताज की तरह सजा रहता है और मौसम गर्मा में अमृत की तरह बूंद बूंद बहता जिंदगी का सरचश्मा बन जाता है। दरियाए सवात कोहे हिंदुकुश की इन्हीं चोटियों से झरनों और आबशारों की सूरत में निकलता कालान की खूबसूरत वादी से गुजरता हुआ सवात की दिलफरेब वादी में पहुंचता है, जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियाहती मकामात में से एक है और आसपास के इलाकों के बेरोजगार अफराद के लिए जरियाए मुआश भी। सादुल्लाह अपने 8 साल बेटे गुलशेर के साथ मोहम्मद से रोजगार की तलाश में सवात आया था। वो यहाँ एक होटल में काम करता है। गुलशेर रोज कागज की एक कश्ती दरियाए सवात में छोड़ता है। उसको यकीन है कि ये कश्ती दरियाए सवात की लहरों के साथ साथ उसके दादा तक पहुंच जाएगी, जो मोहम्मद ने इसी दरिया से पानी भरता है और इस कश्ती का इंतजार भी करता है। ये कश्ती दरिया के साथ चलती और बहती रहती है जिंदगी के सफर की तरह। सवात की दिलफरेब फजाओं से गुजरते हुए दरियाए सवात का पानी मोहम्मद के संगलाह और बंजर पहाड़ों में दाखिल होता है और उसके साथ ही रंग भी बदलना शुरू करता है। सब्ज और नीली रंगत से अब वो पानी मटियाला होना शुरू हो जाता है। सैकड़ों सालों से दरियाए सवात मोहम्मद के इलाके से गुजर तो रहा है, मगर इसका पानी ना यहाँ के खेतों में पहुंचता था, ना लोगों के घरों में, और ना ही इन लोगों की जिंदगियों में कोई और मौत से दिखा रहा था। हकीमुल्ला इसी 8 साल बच्चे गुलशेर का दादा है, जिसकी सारी जिंदगी मोहम्मद की बंजर जमीन पर काश्तकारी करते अपने खानदान के लिए अनाज पैदा करने में गुजर गई। दरियाए सवात का ये पानी इसके खेतों खलियानों को सैराब नहीं करता, बस एक मटके में रहकर उसकी प्यास जरूर बुझा देता था। हकीमुल्लाह ने मोहम्मद डैम के बारे में पहली बार तब सुना था जब वो खुद गुलशेर जितना था और आज वो 65 साल का है। उसे अपनी जमीन को सैराब करने के लिए दरियाए सवात के बजाय हमेशा आसमान से गिरने वाली बारिश का इंतजार रहा है और अब मोहम्मद डैम बिलाखिर कागज से जमीन पर उतरना शुरू हुआ है। हकीमुल्लाह को इस डैम के साथ साथ अपने पोते का भी इंतजार है, जिसको रिस्क की तलाश उससे दूर ले गई है और यह मोहम्मद के बहुत से लोगों की जिंदगियों का अलमिया है। रोजगार की तलाश में गुम अपने प्यारों का इंतजार। मोहम्मद की औरतें जो आम हालात में घरों से निकलती तक नहीं, वो पानी लाने के लिए मीलों का फासला तय करके दरिया तक जाती हैं और उन्हें जिंदगी की इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए ये मुशक्कत रोजाना करना पड़ती है। पानी से भरे हुए ये भारी बर्तन उठाए उनकी जिंदगी का सूरज चढ़ता ढलता और गुजर जाता है। ये तो थी मोहम्मद कबीले की जिंदगी, जो सदियों से इसी तरह चली आ रही थी। फिर इस इलाके में एक डैम की बात शुरू हुई।
मैं इसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च के लिए पहली बार इस इलाके में गई और फिर वहां आना जाना एक मामूल बन गया। मोहमन के लोग मेहमान नवाज तो हैं ही, पर मेहमान के लिए अपनी जान निछावर करने जैसा जज्बा मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा। जब आप इनसे मिलना शुरू करते हैं तो इन खानदानों का हिस्सा बन जाते हैं। आप इन्हें भूल सकते हैं, ये आपको नहीं भूलेंगे। यूरोप या अमेरिका में बैठकर ये तसव्वुर करना कि मैं पाकिस्तान के कबायली इलाके में इस तरह घूम फिर सकती हूँ, एक नाइटमेयर लगता था। और यहाँ आने से पहले मेरे दिल में भी बहुत से खदशात थे, लेकिन मेरा तजस्सुस हर खौफ से ज्यादा ताकतवर था। मैं यहाँ आकर देखना चाहती थी कि क्या मोहमन डैम वाकई इस इलाके और यहाँ के लोगों की किस्मत तब्दील करेगा। सवाल बहुत सारे थे और जवाब उनसे भी ज्यादा हैरान कुन। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तहजीब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी कौन सी वो रिचनेस है मोहमन की जो अभी तक दुनिया से छुपी हुई है। अब मोहमन कबीला पख्तूनों का बहुत ही मुअज्ज़ज़ और ज़हीन कबीला है। उन्होंने हमेशा ऐसे इलाके में रिहाइश अख्तियार की जहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत से उसको आबाद किया और वहाँ पे जिंदगी के आसार पैदा किए। मोमंद कबीले में बड़े दानिश्वर गुजरे हैं। हमारे पश्तों के सबसे मशहूर शायर हज़रत रहमान बाबा का ताल्लुक भी मोमंद कबीले से है। कि रहमान बाबा हमारे अखलाकी मुदर्रिस हैं, उन्होंने तमाम पख्तूनों को अखलाक का दर्स दिया, उन्होंने बर्दाश्त का दर्स दिया, उन्होंने मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया। तो रहमान बाबा ऐसे सूफी हैं जिनकी बदौलत अभी तक पश्तो ज़बान का भरम कायम है। अगर दुनिया हमारा सॉफ्ट इमेज देख लें, यानी हम बहुत खूबसूरत आर्ट के भी मालिक हैं। हम मुसव्विरी में, शायरी में, संगतराशी में, मौसीकी में, बहुत मैदानों में हम ऐसे नायाब हीरे रखते हैं कि उसका जवाब नहीं। आप देखें हमारा अथन देखें, यानी हमारा रक्स है, इसको रक्स कहते हैं लोग, लेकिन ये बेसिकली एक मार्शल ट्रेनिंग है, फिजिकल फिटनेस के लिए एक किस्म की वर्जिश है जो एक खास अंदाज से की जाती है। और रक्स में हमेशा एक उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमारे अथण में बच्चे और बूढ़े बयकुआ शामिल हो सकते हैं। अथण सरफरोशी और सरशारी का रक्स है, अपनी जमीन पर कुर्बान हो जाने के अज़्म का इजहार। मोहमन ने दरियाए सवात के यूं तो बहुत से रंग देखे थे, पर एक रंग देखना अभी बाकी था। ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई वो नाकाबिले बयान है। Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. अगर आप हमारे साथ नहीं तो फिर आप हमारे खिलाफ हैं कि जिद भरे नारे ने हमारी जमीन पर उस जंग का आगाज किया जिसे दुनिया हमारी ही जमीन पर लड़ने पर बज़िद थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो जंग हमारी जमीन को कितने मासूमों के खून से लहू लुहान कर देती। वॉर ऑन टेरर को जिस तरीके से हमारी फोर्सेज और वहाँ के लोगों ने, वो एक ऐसी जंग थी जो पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई थी। डू यू थिंक ये जो सफ़र है सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन से लेके यहाँ तक का, इसमें आप लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं और कंट्रीब्यूट भी किया है? वॉर ऑन टेरर से पहले ये जो इलाका था तो लोग इसके बारे में कम जानते थे। बाज लोग यहाँ तक कहते थे कि जी इट इज़ अ स्टेट विद इन अ स्टेट। ये लोग फ्रंट लाइन पे थे, इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जब से पाकिस्तान बनाए तो ये लोग पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, और फिर जब ये जंग शुरू हुई तो इन लोगों ने जो है
अपनी फोर्सेस का साथ दिया और बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने बड़ा सफ़र किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल सॉवरेनिटी है, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दिया। पाकिस्तान की तरह मोहम्मद के लोगों ने भी बदतरीन दहशतगर्दी का सामना किया, मगर दहशतगर्दों के सामने ना सर झुकाया और ना ही उनके घनौने खेल का हिस्सा बने। नतीजा मोहम्मद के कब्रिस्तान में बढ़ती हुई कब्रों की सूरत में निकला। वो इलाका जो तवील उम्री और सेहतमंदी के लिए मशहूर था, वहां के कब्रिस्तान बच्चों, औरतों और जवानों की कब्रों से भर गए। वो कब्रिस्तान पूरे मोहम्मद को खा जाता अगर पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दी की इस जंग के शोलों को मोहम्मद के शहरियों के बजाय अपने जवानों और अफसरों के खून से ना बुझाती। वॉर ऑन टेरर एक काफ़ी डिफ़िकल्ट वॉर थी और हमने नेटो को 40 कंट्रीज़ के कोएलिशन को लड़ते देखा और हारते देखा है। पाकिस्तान आर्मी इसमें कैसे कामयाब हो गई? हमारी सिचुएशन अफगानिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं और हमने ये जंग मिलकर लड़ी है। पाकिस्तान आर्मी एक इंतहाई प्रोफेशनल आर्मी है और ये जंग एक ख़ास हिकमती अमली के तहत लड़ी गई और अल्लाह ने हमें कामयाबी से। यहाँ के लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जुर्रत और कुर्बानी की जो मिसालें पेश की हैं, वो मोहम्मद के पहाड़ों की चोटियों से कहीं बुलंद हैं। दुनिया की बेहतरीन फौज ने दुनिया के बदतरीन और सख्त तरीन दुश्मन को असलहे के जोर पर नहीं हराया, अपने जज्बे और मोहम्मद के लोगों के साथ से शिकस्तें फाश दी है। हमने मुल्की सलामती के लिए ये मुसल्लत करदा जंग पूरे दिलो जान से लड़ी। अगर आप दुनिया की जंगी तारीख में नज़र डालें तो ऑफिसर्स की जो कुर्बानियों का शरह है वो 4% है, जबकि हमारे केस में ये शरह कई गुना ज़्यादा है। वो सूरज जो इस इलाके को आग और खून में नहलाता रहा था, वो धीरे धीरे गुरूब होने लगा था। पाक फौज और मकामी अफराद की कोशिशों और शहादतों ने मोहम्मद को बिलाखिर एक नई सुबह दी थी, एक नई रोशनी, एक नया सूरज मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट की सूरत में। कुछ कदम तवज्जो
کچھ مالی مسائل اور کچھ خطے کے حالات۔ 50 سال تک ملک میں کسی بڑے ڈیم کی تعمیر ہی شروع نہ ہو سکی۔ کیا اب واقعی قوم کی قسمت بدلنے لگی ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ پہلی بار 1963 میں بنی تھی، لیکن اسے کاغذ سے زمین پر اترنے میں نصف صدی گزر گئی، یعنی 50 سال۔ بالآخر مئی 2019 میں وزیر اعظم جناب عمران خان نے اس ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ چیئرمین، یہ بتائیے کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ وار آن ٹیرر ہم نے لڑی، ہمارے لوگوں نے لڑی اور جیتی بھی، اور جب آپ نے، آپ کے ادارے نے، گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ اس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے، تو ڈیولپمنٹ میں پانی کے پروجیکٹ کو آپ نے کیوں اہمیت دی؟ ہاں، جگہ بھی یہ وہی ہے اور پانی اس لیے کہ پانی تو زندگی کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیے، پانی اس کائنات کا ایک واحد جو سولر کمیونٹی ہے جو اس دنیا کے پورے فل اسپیکٹرم پہ امپیکٹ کرتا ہے، چاہے آپ کی اکنامک سیکیورٹی ہو، فوڈ ہو، انرجی ہو، یا ہیومن سیکیورٹی ہو۔ اب پانی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بڑی جنگیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں، اور آئندہ بھی جنگیں ہوں گی اس پہ، اور پاکستان تو آلریڈی سبجیکٹڈ ہے ٹو واٹر ٹیررزم فرام آر نیبر فرام دا ایسٹ۔ گورنمنٹ کو اس کا ادراک بھی ہے، اور اسی لیے جب علاقے میں امن آیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے پانی کے پروجیکٹ کو ہی ترجیح دی ہے۔ اب یہاں پہ امن کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہاں پہ سیکورٹی فورسز نے لوگوں کی مدد سے یہاں پہ ایک ایسی مثال کامیابی اور قربانی کی پیش کی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نیبر میں پوری دنیا کی کوئی 47 ملکوں کی فوج اکٹھی تھی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ کامیابی کی دو وجہ ہیں، ایک لوگ اس کے اسٹیک ہولڈرز تھے، اور دوسری الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے ویل ٹرینڈ آرمی ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں، جہاں پہاڑ ہیں پیچھے، ان کی قربانیوں کے نشان ان پہاڑوں پہ، پتھروں پہ، نالوں پہ، یہ سب جگہ موجود ہیں ان کے خون کی شکل میں۔ آپ کو حیرت اور خوشی سن کے یہ ہوگی کہ یہاں پہ زمین حاصل کرنے کی سب سے ہمیں آسانی سے زمین ملی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو رسم و رواج ہے، یہاں کا جو تہذیب ہے، یہاں کے جو اقدار ہیں، یہاں کے لوگوں کا جو کول کا پکا ہونا ہے، ہم نے ان سے مل کے بات کی، ہم نے بیٹھ کے بات کی، اور جب ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ ملک کے لیے ناگزیر ہے، تو انہوں نے اس بات کو سمجھا، دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، روشن خیالی کا مظاہرہ کیا، اور اپنی اگلے آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ زمین۔ Yeah.
जाके फराहम करेगा। Wong, it is really nice to see a girl working at such a project. What do you think about the people here? ये लोग बहुत मेहरबान हैं, इनका रवैया बहुत दोस्ताना है। मुझे बहुत खुशी है मैं इस इलाके में काम कर रही हूँ और यहाँ मेरे कई नए दोस्त भी बन गए हैं। Prime Minister, thank you so much for your time. First of all, 50 years is a long time किसी भी मुल्क की development के लिए और 50 साल पानी पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। आपने ये initiative लिया है और specifically मोहमिन के इलाके में जहाँ पे अभी war on terror हुई है और अब आप development start कर रहे हैं। What was your vision? हमारे मुल्क में सिर्फ 60s में development हुई और वो अयूब खान के दौर में। वो ऐसी development थी 15-20-30 साल तक पाकिस्तान ने उसे फायदा उठाता रहा और उनकी तरबेला डैम थी, मंगला डैम, वारसक डैम और इनका बड़ा मुझे हम छोटे थे तब हमें पता कि इनका एकदम कितनी नेशनल प्राइड थी जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने। मेरा तो बिलीफ ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर जो बिजली बनेगी वो लोकल फ्यूल पे नहीं बनती और फिर साफ बिजली तो सबसे ज़्यादा तो पानी से बनाने वाली बिजली जो साफ होती है हमारे माहौलियात के लिए, लिहाजा इसके लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ज़रूरत है। और उसमें ये जो ममन डैम का हमने सोचा था और ये जब शुरू किया है और साथ उसके बाशा डैम, ये दो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज से 50 साल के बाद पहली दफ़ा गवर्नमेंट्स बना रही है। वो ख्वाब जो ख्वाहिशों की ग्लेशियर से शुरू हुए थे अब हकीकत की सरजमीन में ढलने लगे हैं और ख्वाब तो सबके एक जैसे ही होते हैं। मोहसिन, मोहमिन से निकल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक का जो सफर है आपका, पहले मुझे बताएं कि आपको कैसे लगा कि आप इस लेवल तक जा सकते हैं? मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यार ये ब्लाइंड भी खेल सकते हैं, ये कैसे मुमकिन होगा। 1992 में जो वर्ल्ड कप हान साहब ने जीता था, इमरान खान साहब ने, तो मैं अक्सर वो वर्ल्ड कप का फाइनल देखता हूँ। हमारा फेवरेट प्लेयर जो होगा यूनिस खान होगा, क्योंकि जब वो टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ उसने 300 प्लस किया था, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया था उस टाइम। इंशाल्लाह मैं टीम बना रहा हूँ, मैं इवन कराना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। इसमें आल पाकिस्तान के प्लेयर्स होंगे, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से और श्रीनगर से जितने भी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें मौजूद हैं। किसी का ख्वाब है पिनाई ठीक ना होते हुए भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, यह हमारा बहुत बड़ा ख्वाब। मेरा फेवरेट प्लेयर यूनिस खान भी आ जाएगा वहाँ पर खेले, तो इंशाल्लाह यूनिस खान साहब जरूर आएगा इनसे मुलाकात में, तो इंशाल्लाह इनसे मैं गले लगाऊंगा। कनेक्ट कितना करती है क्रिकेट या स्पोर्ट्स आपके हर कल्चर को, आपके हर सिटी को और ओवरऑल पाकिस्तान को एक पॉइंट पे कितना लाती है? ये स्पोर्ट्स एक ऐसी बॉन्डिंग है जो कि कल्चर्स को इकट्ठा करती हैं और हमने ये भी देखा कि जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई कुछ भी हालात हों लेकिन जहाँ पे क्रिकेट आती है तो हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। मेरा विजिट है और मैं जा रहा हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं वहाँ क्रिकेट खेलूँगा, अपने अपने कल्चर को प्रमोट करूँगा। किसी का ख्वाब है पर ना होते हुए भी परवाज करना, ख्वाबों पे किसका जोर चलता है? ख्वाब दिल की जमीन से निकलते हैं और आसमान की हद से परे परवास करने लगते हैं। ममन डैम है, इससे सारा इलाका बेनिफिट करेगा क्योंकि पानी भी वहां चला जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, नौकरियां मिलेंगी उनको, और पानी चला गया तो वो इलाका बिल्कुल बदल जाएगा। और आज जब मैं यहाँ पानी देखती हूँ तो ये मुझे पारस लगता है जो मोहमन के लोगों की जिंदगी को छूकर इस धरती को सोना कर देगा। और फिर क्या पता पानी क्या क्या मौजूदे करे, जख्मी मसीहा बन जाए, इलाकाई हुनर कौमी रोजगार बन जाए कि
कि कश्ती के बगैर ही इंसान अपने प्यारों तक पहुंच जाए, पानी ऐसे पंख दे कि जिंदगी बदल जाए। चलते रहना ख्वाब लेना, सुर संगम की लहरों से पानी की सारी बूंदे चुन लेना, कोसारों के जीने धीरे धीरे उतरे थे, तरक्की खुशहाली के वो शुरू हो चुके हैं, अब यहाँ खुशहाली आनी शुरू हो चुकी है। ये हमारे साथ कोई क्रिकेट खेले ना खेले, हमारे साथ कोई स्पोर्ट्स खेले ना खेले, हम जीतते रहे हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे और जीतते रहेंगे। पानी की सारी बूंदें।